रीवा शहर के सबसे पुराने स्कूल चोपड़ा स्कूल का हाल बेहाल। कभी भी दाराशाही हो सकती है इमारत। स्कूल में बचे हैं गिनती के ही छात्र। देखिए रीवा दर्शन की एक खास रिपोर्ट। शहर के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है रीवा का चोपड़ा स्कूल। किसी जमाने में स्कूल की शान हुआ करती थी। शहर के तमाम प्रतिष्ठित घराने के लोग इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ऐतिहासिक रीवा किले के बगल में मौजूद इस स्कूल में आज हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे वहां का नज़ारा। बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। एक बिल्डिंग में तो जाना ही मौत के मुंह में जाने के बराबर है। वहीं दूसरी बिल्डिंग भी जगह जगह से टपक रही है, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्कूल का स्टाफ अपने संसाधनों से पानी निकालने में व्यस्त है। ग्राउंड में पानी भरा हुआ है। बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। किताब कापी रखने की जगह नहीं है। कहा जा सकता है एक बिल्डिंग है, वह भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में। समय पूरा हो चुका है, ना जाने कब धराशायी हो जाए। बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल को लाने का निर्णय किया था, वह भी निर्णय अधर में पड़ा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं चोपड़ा स्कूल का वह नज़ारा, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं किसी ज़माने का रीवा शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल हुआ करता था। ना जाने किसकी नज़र लग गई, स्कूल की शान और शौकत मिट्टी में मिल गई। स्कूल के बच्चों से भरा हुआ स्कूल परिसर आज सुनसान हो गया। जो बच्चे हैं भी वह कहीं अन्यत्र दाखिला लेने की फिराक में घूम रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है हमेशा की तरह प्रशासन की नज़र इस ओर नहीं जाएगी। बीते वक्त के साथ यह स्कूल भी एक इतिहास में बदल जाएगा, जिसके किस्से कहानी किताबों में मिला करेंगे। शासकीय सीनियर बेसिक स्कूल उपरहटी। सर यहाँ काफ़ी समस्याएं, स्कूल छू रही है लंबे समय से, एक बहुत अंतराल के समय से। इसके लिए आप हमेशा, आप जैसे लोग आते हैं वीडियोग्राफी करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस तक जाता होगा मामला, ऊपर अब दफ्तरों में देते होंगे, उसके बाद कोई काम नहीं होता। आप अपने अधिकारियों को सूचित करते हैं? बिल्कुल। कितनी बार? नगर निगम से लेके कलेक्ट्रेट तक, कलेक्टर से लेके कलेक्टर तक, तमाम जहाँ जहाँ जैसे आते वैसे इसकी जानकारी दी जाती है। अर्चना बंसल। किस क्लास में? 8 में। क्या नाम है स्कूल का? शासकीय सीनियर बेसिक स्कूल नाम। क्या समस्या? ये पानी बहुत चूता, हम लोग गीले में बैठते हैं, तो ये सुविधा कीजिए। हाँ, खेलने में बहुत दिक्कत होती है, और बाहर जाते तो कीचड़ होकर अंदर आ जाता है, बहुत गंदा रहता है। शिवम बंसल। हम शासकीय सीनियर बेसिक स्कूल। क्या समस्या? सर यहाँ पास बहुत पानी चूता है, धरती में पानी गिरा रहता है, तो टाट उट बिछाते हैं तो गीला रहता है। हम लोग बैठे कहाँ रहे कहाँ, इसीलिए हाँ खेलते मैदान में, लेकिन वहाँ पास कीचड़ रहता है। हाँ।